अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि एक ऐसा अमल कि जिसके अंजाम देने के बाद दुश्मन की हालत ख़राब हो जाएगी, दुश्मन की हालत बहुत ही नाजुक हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ़ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रवानी सेंटर एमटोना जादू सिप्ली ब्लैक मैजिक शैतानी मल के जरिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696824150। इसके अलावा अगर कमेंट में हमारे नाम से कोई भी नंबर शो किया जा रहा है तो हमारा नंबर नहीं है, लिहाजा आप उनसे कॉन्टैक्ट न करें वरना आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपका दुश्मन परेशान कर रहा है, आप उससे थक चुके हैं, तो ये अमल करें, इंशाल्लाह उसकी तबाही और बर्बादी शुरू हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहले तो बावजू हो जाएँ, बेहतर है कि रुबा क़िबला बैठ जाएँ। दिन में किसी भी वक्त इस तावीज़ का इस्तेमाल करें, यह जमाली अमल है, जलाली अमल नहीं है। लिखने का आगाज़ करेंगे 786, फिर उसके बाद 9, फिर 4, 4, 4 और फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर 6, फिर 4, फिर 1। इस तरीके से पूरी तावीज़ लिखें और इसके साइड में लिखेंगे दुश्मन और उसकी माँ का नाम। जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो ज़रा सा अत्र इसके ऊपर लगा दें और याद रखें किसी भी पेन से लिख सकते हैं, बेहतर है कि सफ़ेद कागज़ पे काली पेन से लिखे। तो जब इस पे अत्र लगाएं, फिर उसके बाद इस तावीज़ को किसी चीज़ में पैक कर दें, यानी जैसे शीशी हो या फिर कोई डब्बा, उसमें रख करके इस तावीज़ को कहीं दफन कर दें ज़मीन में। बेहतर है कि अगर कब्रिस्तान मिल जाए तो कब्रिस्तान में दफन कर दें या जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं वहाँ इसको दफन कर दें। तो आप देखिएगा आपके दुश्मन की हालत ख़राब से ख़राब, बद से बदतर हो जाएगी। उसके जिस्म पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएंगी, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो डे बाई डे बिस्तर पकड़ने लगेगा और चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करें। इजाज़त के लिए शर्त अव्वल है कि कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिख दे, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्त नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।